जिला में जिला परिषद चुनावों के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है और अब जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने भी मैदान में कूदकर अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए डोर टू डोर जाकर प्रचार किया जा रहा है। बलदेव शर्मा के द्वारा अपने प्रत्याशियों के साथ बाजार में घूमकर दुकानदारों से भी समर्थन की मांग की जा रही है। पूर्व विधायक एवं जिला भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने दावा किया है कि जिला हमीरपुर में जिला परिषद के 18 वार्डों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जनता का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताते हुए कहा कि जिला में भाजपा के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा। जिला हमीरपुर में जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित उम्मीदवार 18 बहुत बढ़िया कंप्लेन चली हुई है और हमारे जो वहाँ के उम्मीदवार हैं जिला परिषद के वो डोर टू डोर कर रहे हैं, दो दो बार जा चुके हैं और सभी कार्यकर्ता भी उनके साथ जा रहे हैं। अब जनता का बहुत बड़ा जनता सहयोग और प्यार आशीर्वाद मिल रहा है जो मोदी जी ने काम किया है और धूमल जी की सरकार ने जो 10 साल मुख्यमंत्री रहे तो काम किया उनको लेके जा रहे हैं, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी ने काम किया है उनको लेके हमारे उम्मीदवार जा रहे हैं और लोगों का भारी समर्थन भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवारों को मिल रहा है। आशा नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 18 की 18 सीटें भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो घोषित उम्मीदवार हैं जीतेंगे और फिर हमीरपुर के अंदर जिला परिषद का चेयरमैन और वाइस चेयरमैन आप सब के और जनता के सहयोग से हम बनाएंगे। जिला परिषद चुनावों में भाजपा बड़सर उपमंडल के तहत 4 बागी उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और स्थानीय नेताओं के फोटो लगाकर भाजपा में अंदरूनी कलह को उजागर किया है, जिस पर भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने भी कड़ा संज्ञान लेते हुए मंडलों से आ रही शिकायतों को प्रदेश कार्य समिति के पास कार्रवाई के लिए भेजा है। बड़सर उपमंडल में भाजपा बागी उम्मीदवारों ने भी भाजपा के आला नेताओं के पोस्टर लगाकर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों के लिए परेशानी पैदा कर दी है। जिन लोगों ने बागी उम्मीदवार बनके चुनाव लड़ा है और कई लीडरों का उस पे जहां लीडरों का भी आशीर्वाद है, उसकी कंप्लेंट जो है मंडल वाइज जिला को भी आई है, प्रदेश को भेजी है और ये सारी कार्रवाई अब जिला ने करनी है, वो हमारे हाथ की बात नहीं है। जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है हम जाके प्रदेश को भेजते हैं और प्रदेश के नेताओं से बात भी होते हैं। कईयों ने अपना फोटो लगा के अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, सारी बात हाईकमान के ध्यान में है, इस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पर कार्रवाई होगी। हमीरपुर जिला में जिला परिषद के चुनावों में भाजपा के बागी उम्मीदवार खड़े करने पर जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि इस तरह के नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों को प्रदेश कार्य समिति के पास कड़ी कार्रवाई करने के लिए भेजा गया है। बलदेव शर्मा ने कहा कि इस तरह भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बागी उम्मीदवारों को खड़ा किया गया है, जिससे भाजपा को आने वाले समय में नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसलिए हाईकमान को ऐसे मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। को भारतीय जनता पार्टी के कोई बागी नहीं है, पर वो कुछ लीडर के बागी उम्मीदवार होंगे, उस पर हमने कंप्लेंट किया, हमारे मंडल ने जिला को जिला से भी कंप्लेंट जा रही है प्रदेश को, उस पर अब हाईकमान ने देखना है जिला प्रदेश ने क्या करना है और प्रदेश को संगठन को इसके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में पार्टी को इसका नुकसान हो सकता है। पार्टी हाईकमान देखेगी, देश के हमारे लीडर देखेंगे क्या करना है।